कंप्यूटर सिस्टम को डिफरेंट नंबर ऑफ वेज में ऑर्गेनाइज किया गया है, जिन्हें हम उसके अंदर यूज हुए नंबर ऑफ प्रोसेसर्स के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करते हैं। यहाँ हम बात करेंगे सिंगल प्रोसेसर सिस्टम और मल्टी प्रोसेसर सिस्टम की। सिंगल प्रोसेसर सिस्टम में सिर्फ एक प्रोसेसर यूज होता है जो जनरल पर्पस इंस्ट्रक्शन सबको एक्जीक्यूट करने में कैपेबल होता है। वहीं अगर हम बात करें मल्टी प्रोसेसर सिस्टम की, जिसे पैरेलल सिस्टम और मल्टी कोर सिस्टम भी कहा जाता है, ऐसे सिस्टम में दो या दो से ज्यादा प्रोसेसर यूज होते हैं। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम होने के तीन मेन फायदे हैं, इंक्रीज थ्रूपुट, इकोनॉमी ऑफ स्केल, इंक्रीज रिलायबिलिटी। इंक्रीज थ्रूपुट मींस बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्रोसेसर्स हम कम टाइम में ज्यादा वर्क एक्सपेक्ट करेंगे। बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम दो प्रोसेसर यूज करेंगे तो स्पीड डबल हो जाएगी, बट सर्टेन अमाउंट ऑफ ओवरहेड इंक्लूड हो जाएगा। इकोनॉमी ऑफ स्केल, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम सस्ते होते हैं एज कम्पेयर टू सिंगल प्रोसेसर सिस्टम, बिकॉज दे शेयर द डेटा स्टोरेज, पेरिफेरल डिवाइसेस, पावर सप्लाइज एटसेट्रा। इंक्रीज रिलायबिलिटी, सपोज डेट किसी कंप्यूटर में 10 प्रोसेसर वर्क कर रहे हैं एंड ड्यू टू सम रीजन एक प्रोसेसर फेल हो जाए, अब ये फेलोर पूरे सिस्टम को हाल्ट नहीं करेगा। बचे हुए 9 प्रोसेसर फेलोर प्रोसेसर के वर्क को आपस में शेयर कर लेंगे एंड द एंटायर सिस्टम रन ओनली 10% स्लोअर रहता है देन फेलिंग ऑल टुगेदर।